तो ये कमाल का पावरफुल ऐप सिंगल क्लिक में आपके किसी भी पुराने मोबाइल फोन को एक गेमिंग पीसी में कन्वर्ट कर देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो किसी सपने से कम नहीं मेरे लिए और आप सबके लिए भी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप लोग कमाल का गेमिंग पीसी अपने फोन में चला पाएंगे। और ये कोई नॉर्मल पीसी नहीं होगा, इसमें विंडोज 11 प्रो है, सारे आपको फीचर्स मिलेंगे अच्छे खासे स्टोरेज और स्पेसिफिकेशन के साथ। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी, बहुत सिंपल वीडियो है और मुझे ढेर सारे इसमें लाइक्स एंड कमेंट्स चाहिए, बहुत वायरल होनी चाहिए वीडियो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अभी इसी वक्त, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने सारे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं, सब में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो गाइस चलिए हम लोग कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऐप है इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, पीसी ऑन क्लाउड। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, ये बेसिकली आपको क्लाउड पीसी देता है जो आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं। तो ये बहुत ही नया ऐप है, इसलिए अपने सारे यूज़र्स को ये एक फ्री क्लाउड पीसी दे रहा है जिसमें आप कोई भी वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका सपना हो एक गेमिंग पीसी में रन करने का, वो बेसिकली आप इसमें चला सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये फ्री है नए यूज़र्स के लिए। तो आपको क्या क्या फॉलो करना है वो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोन में एक फुल फ्लैश्ड गेमिंग पीसी चला पाएंगे और हर फीचर्स के साथ। तो एंड तक जरूर देखिएगा, चलिए हम लोग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो गाइज ये चीज बेहद ही सिंपल है, सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है पीसी ऑन क्लाउड। मैं आपके सामने उस ऐप पे जाता हूँ, ये रहा उसका आइकन, आप सिंपली इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसकी जो लिंक मिलेगी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना मुश्किल होता है, आपको मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है, तो वहाँ जैसे आप लोग जाएंगे तो इस पर एक वेब पेज मिलेगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक दिख जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इसको आप लोग ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखेगा वेलकम टू पीसी ऑन क्लाउड, आप एग्री एंड एंटर पे क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने लिख देगा मोबाइल फ़ोन इनटू कंप्यूटर, इजीली आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नेवर शट डाउन 24 आवर्स, जो आपका पीसी ऑनलाइन रहेगा आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट भी इसमें आपको अनलिमिटेड मिलेगा, यानी कि जो पीसी है उसमें आपको लगभग 400 से 500 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। तो एक्सपीरियंस नाउ पे आप लोग क्लिक कीजिए, फिर आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लोग गूगल यूज़ कर सकते हैं, तो मैं अपने किसी भी गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। तो एक बार आपने गूगल अकाउंट चूज़ कर लिया, आप लोग सिंपली यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे, पासवर्ड आप लोग डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऐप के अंदर आ जाना है। अब ऐप के अंदर आने के बाद आपको कुछ अच्छे प्रोसेस फॉलो करने हैं, वो मैं आपको अच्छे से हैंड कैम के साथ दिखाने वाला हूँ। अब स्क्रीन पे दोस्तों आप लोग मेरा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन देख सकते हैं, अब आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना जो पीसी ऑन क्लाउड एप्लीकेशन उसको ओपन करता हूँ, आपको लॉगिन करने के बाद वाला मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा पीसी ऑन क्लाउड एप्लीकेशन, अब सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, अब इसके बाद क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे, यहाँ दिखाएगा 7 डेज का फ्री ट्रायल, आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्लान जो है वो फ्री ट्रायल के लिए आपको मिल रहा है, लगभग आपको 2-1 हफ्ते का यहाँ पे फ्री ट्रायल मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले ब्राइटनेस एडजस्ट करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाले पीसी मिलेंगे, मैं पास करके दिखा दूँ। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्लान है, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल प्लान है जिसमें आपको 8 GB का रैम मिलता है, फिर एक अल्टीमेट प्लान है जिसमें आपको 16 GB का रैम मिलता है और आपको लगभग 100 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड प्लान के साथ जाते हैं जो बिल्कुल फ्री है नए यूज़र्स के लिए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये पूरी जो स्पेसिफिकेशन इस पीसी का वो दिखा देगा कि 4 GB रैम और इतने स्टोरेज, ये सब आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये 1 वीक का फ्री ट्रायल है, उसके बाद 140 रुपीज़ लगता है, लेकिन आप इसको कैसे स्किप कर सकते हैं, आपको गूगल से कंटिन्यू करना है। आप लोग देख सकते 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आपको कोई यहाँ पे कार्ड ऐड नहीं करना, अगर आपके पास एक पेटीएम अकाउंट भी है उसमें 0 रुपीज़ में तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे शेड्यूल करना है। फिर जैसे ही आपको वहाँ परचेज सक्सेसफुल हुआ, आपको पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा, पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, मेरी गारंटी है, पैसा आपका बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि फ्री ट्रायल है। अब यहाँ पे एक बार आपका परचेज सक्सेसफुल हुआ तो 1 हफ्ते बाद से पैसा कटता, लेकिन आप लोग पेटीएम में जाके जो ऑटोमेटिक पेमेंट है उसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। एक बार आपने कैंसिल कर दिया तो आपको यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए पीसी भी मिल गया और आपका जो वो है परचेज वो भी कैंसिल हो गया, तो आपका पैसा भी नहीं कटेगा। इफ़ अगर आपको पसंद आया तो आप लोग 1 हफ्ते से ज़्यादा चला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक बार आपने यहाँ पीसी को ले लिया फ्री ट्रायल के बाद, उसके बाद यहाँ पे ये क्रिएटिंग दिखा रहा होगा, लगभग 10-15 मिनट में क्रिएट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं गाइज ये क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिए,
कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों विंडोज़ का जो पीसी आपके सामने ओपन हो जाएगा, सिंपल जैसे आप नया पीसी लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, आपको विंडो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको एक माउस पॉइंटर मिलेगा, राइट माउस क्लिक और लेफ्ट माउस क्लिक का बटन मिलेगा, फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्तों कि ये वाला जो पीसी है, ऐप है, ये बहुत ज़्यादा लैग करता है जब पीसी को अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। बेसिकली लैग इसलिए क्योंकि ये जो पीसी का सर्वर है ये है यूएसए में। ठीक है, तो मैं पीसी ऑन क्लाउड ऐप की जगह मैं क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करूँगा। देखिए, ओवरऑल आपको एक विंडोज़ पीसी आपके फ़ोन में मिल चुका है, अब उसको आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन में वो आपके ऊपर है। तो मेरा पर्सनल चॉइस है मैं क्रोम रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम आपको लेटेंसी मिलती है जिससे आपका पीसी बहुत स्मूथली चलता है। वो सब आपके ऊपर है, मैंने मेन चीज़ आपको दिखा दी कि कैसे आप अपने फ़ोन में विंडोज़ पीसी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं यहाँ पर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इजिली आप लोग देख सकते हैं कितने स्मूथली पीसी को चला पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐप्स आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, बल्कि वो सारे ऐप्स हैं जो आपको नए पीसी या लैपटॉप में मिलते हैं। मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन अप भी किया हुआ है, तो आप कैसे भी चाहें इस पीसी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। स्पीड टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा लगभग 200 से 400 Mbps की स्पीड आपको मिलेगी। चाहे कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी हाई एंड पीसी सॉफ्टवेयर लें, आप लोग इजीली इस पीसी में चला पाएंगे। इसलिए गाइज मैं यहाँ पे एक फिल्मोरा का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इजीली इसको इंस्टॉल कर पाया हूँ और मैं आराम से इसको इंस्टॉल करके चला भी पा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं गाइज। तो ये रहा गाइज फिल्मोरा का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं अपने पीसी में चला पा रहा हूँ, और ये सब चल रहा है मेरे एक फ़ोन में। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल था कुछ सालों पहले? नहीं ना, लेकिन फाइनली ये पॉसिबल है और ये सारी चीज़ें आपको मैं फ्री में दिलवा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैं एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अपने पीसी में चला रहा हूं, और यहां पे इसके बाद दोस्तों मैं आराम से यहां पे एपिक गेम्स लॉन्चर्स में कोई भी गेम भी ले सकता हूं। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कितने आसानी से अब आप लोग एक पीसी यानी कि फुल फ्लेज पीसी अपने फ़ोन में चला सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा मकसद बस यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे विंडोज़ पीसी जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ आप उसमें करें वो आपकी चॉइस है। मैंने अब बस आपको एग्जांपल के लिए उसमें फिल्मोरा का वीडियो एडिटर लिया था जो काफ़ी अच्छा हैवी एडिटर है। उसके अलावा कोई भी आप लोग पीसी सॉफ्टवेयर अपने पीसी में ले सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के लिए आपको पूरा पीसी मिलेगा। उसमें जो भी आप कारनामा करना चाहें कर सकते हैं, कोई गेम लेना चाहें, कोई भी सॉफ्टवेयर लेना चाहें, सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कि वो पीसी आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपका पीसी उस एप्लीकेशन या पीसी ऑन क्लाउड एप्लीकेशन में थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि वो नया एप्लीकेशन तो पिंग ज़्यादा जाता है, तो आप लोग इजीली माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप या फिर क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। वो सब कुछ आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने मेन चीज़ आपको बता दी, उसके अलावा जो भी आप चीज़ करते हैं वो आपकी चॉइस है। तो गाइस वीडियो पसंद आपको ज़रूर आई होगी, बस लाइक आपने नहीं किया अभी तक, प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा वायरल होनी चाहिए वीडियो, अपने सारे फ्रेंड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और गाइस अगर मैं और मेरा चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग का चैनल भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो और मैं ऐसी कमाल की वीडियोज़ लाता रहूँ। तब तक गाइस जय हिंद जय भारत।